ਵੀਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀਰਾ वो अकेले नहीं मरी है आज मेरा रिश्ता साथ लेकर मरी है वो मेरा भरोसा साथ लेकर मरी है वो मेरा पति साथ लेकर मरी है वो मैंने सिंदूर के रिश्ते पे भरोसा ना करके उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती की है उसी की सजा मिली है मैंने कि ये सिंदूर हमेशा के वास्ते पराया हो गया मुझसे तेनु आज भूल चुनने जाना है मेरी वजह से वो चले गए इतनी दूर चले गए कि वापस कभी नहीं लौटे ठीक है ना पुत्र रणवी मैंने फूल चुनने जाना है चल पुत्र नेहाल चाचू नेहाल चाचू मेरे पापा जी बीजी तेरे से घर छोड़ के गए थे ना अगर बीजी पापा जी से लड़ते नहीं तो पापा जी शायद हमारे साथ होते ना तू पागल हो गया क्या कैसी बातें कर रहा है ये सब नेहाल चाचू मैंने खुद सुना है बीजी अपने आप से कही थी पापा जी की मौत की वजह बीजी है रणवीर इंसान दुख और गुस्से में जाने क्या क्या पहुंच जाता है कभी तूने सोचा है तेरी बीजी पिछले 5 सालों से तेरे पापा जी की लौटने के आस में छप्पे वो दुपट्टा ले आ रही है
पिछले 5 सालों में कोई एक भी दिन ऐसा गया जब उन्होंने दुपट्टा ना लहराया। अरे जरा सोच, आज कितनी बड़ी उम्मीद टूटी है उनकी, कितना दुख पहुंचा होगा उन्हें। उनके पति, उनका सहारा जो सिर्फ नाम का था पर बहुत बड़ा सहारा था रणवीर, उनका हौसला, उनकी उम्मीद, और उस दुख में उन्होंने क्या कह दिया। और तू अपनी बीजी को ही, अपनी बीजी पे इल्जाम तो लगा रहा है तू, पर तुझे पता भी है कि असली झगड़े की वजह क्या थी, कौन दोषी था कौन नहीं। बस तूने बिना सोचे समझे अपनी बीजी पे इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम लगाने से पहले तूने अपनी बीजी के 5 साल के इंतजार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तेरी बीजी तेरे पापा जी से कितना प्यार करती है उस बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने। अपने दर्द में उन्होंने कुछ कह दिया और तूने उन्हें दोषी माना। देख रणवी, अपनी बीजी की ममता को ना इतना छोटा ना कर। तुझे एहसास भी है कितनी मुश्किलों से उसने तुझे और तेरी वीरा को पाला है, तेरे पापा जी की हर अमानत को संभाल के रखा है। और मुझे तो लगता है तुझे ये भी याद नहीं कि तेरे पापा जी तेरी बीजी से कितना प्यार करते थे। याद है तुझे जब स्प्रिंट से गए थे ना तो मुझसे मिले थे, एक बार भी तेरी बीजी के बारे में एक शब्द गलत नहीं कहा। अगर तेरी बीजी दोषी होती ना रणवीर तो कम से कम एक बार तो बोलती, कभी तो बटला कुछ ना बोला उसने। देख रणवीर, आज संपूर्ण का शरीर हमारे साथ नहीं है पर उसकी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहने वाली, हमेशा तुझे देखेगी, तेरी हर कही बात को सुनेगी। जरा सोच पुत्र, कैसा लग रहा होगा तेरे पापा जी को जब उन्होंने सुना होगा उनका पुत्र अपनी बीजी के बारे में कैसी बात कर रहे हैं, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। सोचा है तुमने कभी? बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं गलती जो मैंने बीच से माफी मांगनी होगी। आप सही कह रहे हो यार, तो बीच तक कोई दोष नहीं है पर यार तो जिस इंसान ने भी मेरे पापा जी ने मारा है ना, उस इंसान ने मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। बहुत बुरा किया उसने, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं माफ करूंगा।